गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले पार्ट्स में हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन के पिछले वाले पार्ट्स में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर थे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने चार रिएक्शन बताए थे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके आगे जो आज हम लोग चलते हैं अगले पार्ट्स में, यानी पार्ट सेकेंड में टाइप्स ऑफ रिएक्शन के पांचवा जो है, ठीक है, चार इसके पहले पढ़ चुके थे। पांचवा स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं इसको समझने पहले, बहुत ही आसान सा है ये। जो मेन थे वो चार पढ़ चुके हैं इसके पहले पार्ट में, यहां से थोड़ा सा उसी चीज को थोड़ा सा और आगे चलेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं जो होती है, ध्यान देना कि अपघटन अभिक्रियाएं अनुतिक्रमणीय अभिक्रियाओं का ही एक रूप है। समझा रहा है? अपघटन अभिक्रिया क्या है? अनुतिक्रमणीय अभिक्रियाओं का ही एक रूप है, मतलब वन डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में ही संचालित होता है। जो पदार्थ इससे बन जाएगा उसको पुनः किसी भी अवस्था में, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में ले लेंगे, उस उत्पाद से पुनः अभिकारक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो ये डिकम्पोजिशन अभिक्रिया क्या है? वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक रूप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पदार्थ से बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। अब घटन हो रहा है, यानी अब घटन टूट रहा है वो, यानी अब घटित हो रहा है कि एक पदार्थ उस एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण हो जा रहा है। तो उस और वो हमेशा अगर वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो निश्चित रूप से वो अपघटन अभिक्रिया ही होगी, निश्चित रूप से अपघटन अभिक्रिया ही होगी। तो ये यहां ध्यान रखना अपघटन अभिक्रिया। अब अपघटन अभिक्रिया ये भी ध्यान रखना कि ये ऊष्मा के रूप में, यानी ऊष्मा की उपस्थिति में भी हो सकता है, हीट के प्रेजेंट में भी हो सकता है। अगर ये ऊष्मा के प्रभाव से उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए जैसे ये ऊष्मा के प्रभाव से जो है कि इसमें अभिक्रिया हो रही है, हीट दे करके एक पदार्थ में हीट यानी गर्म किया गया और उससे दो या दो से अधिक पदार्थ बन गया, तो उसको यहां पर जो है हम कहेंगे थर्मल रिएक्शन। उसको यहां पर नाम दिया जा सकता है थर्मल रिएक्शन, या इसको कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजर डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर ये मान लेते हैं विद्युत के प्रभाव से हो रहा हो कि जब उसमें कोई करंट दिया जाए, इलेक्ट्रिक लाइट दिया जा रहा है, तब जाकर के वहां पर अपघटन हो रहा है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय अपघटन, और इसको वैद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान देना है कि अगर वो हीट के प्रेजेंट में हो रहा है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन, एंड अगर वो इलेक्ट्रिक के थ्रू हो रहा है, वैद्युत की उपस्थिति में हो रहा है, तो उसको वैद्युत अपघटन मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब इसका एक रिएक्शन भी देख लेते हैं, रिएक्शन हालांकि इसके पहले वाले भी, कि जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है KClO3, गर्म करना यहां में हीट लिख देते हैं, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो यहां पर KCl पोटेशियम क्लोराइड और इसके अलावा जो है O2 मुक्त होता है। तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे, वही जो उसके पहले किए थे, तीन तीन दूना छह और दो यहां छह और ये दो। तो ये यहां पर क्या हो गया कि अब जो यहां पर बन रहा है हीट की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऊष्मीय जो है अब घटन कहेंगे। यहां पर ये पदार्थ, इस पदार्थ को पुनः किसी भी रूप में, किसी भी दशा में, किसी भी अनुपात में ले ले तो फिर से पोटेशियम क्लोरेट नहीं बन सकता है, इतना याद रखना है। तो ये क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का एक टाइप होता है। छठा देख लेते हैं। छठा जो होता है डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन इसको कहते हैं हिंदी में, अगर कहा जाए तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये भी देखिए ये क्या होता है, ये भी बड़ा आसान सा है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये दोनों अंतर क्या है? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इससे ये होता है एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं,
लेकिन कंडीशन यहां पर क्या है कि उस दो या दो से अधिक पदार्थ जो बने हैं उसको पुनः अगर उसी निश्चित अनुपात में लिया जाए तो फिर से अभिकारक प्राप्त कर लेंगे, यानी अभिकारक से उत्पाद भी प्राप्त किए, उत्पाद से फिर से अभिकारक भी प्राप्त कर लेंगे, तो इसको हम यहां पर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया की और ध्यान देना है कि ये जो वियोजन अभिक्रिया, जैसे इसमें भी हीट और इलेक्ट्रिक स्थिति होता है, ऐसे इसमें भी होता है, अगर ऊष्मा के प्रभाव से होता है उसको जो है थर्मल डिसोसिएशन कहेंगे, और अगर विद्युत के प्रभाव से होता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस डिसोसिएशन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है वियोजन और उसमें क्या नाम है इस रिकम्पोजिशन अभिक्रिया में। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर हमें समझना है तो मान लेते हैं जैसे NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड। अब NH4Cl को यदि जो है हीट यानी गर्म किया जाए, यदि इसको गर्म किया जाए, क्योंकि रिवर्सिबल है तो यहां पर ध्यान देना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सिबल है, हमने कहा यह रिवर्सिबल है, मीन्स यहां पर बाई डायरेक्शन का बनेगा, तो यहां पर क्या होगा NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा और प्लस HCl बनेगा, ये वियोजन है। अगर इसको इसी अनुपात में फिर मिला दिया जाए तो फिर यह NH4Cl बना लेगा, तो यह होता है वियोजन अभिक्रिया। अगला आते हैं, अभी नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं छठा सातवां, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक जो है रिएक्शन, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, हिंदी को समझ लें, एक्जोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझा नहीं समझा, देखिए ऊष्माक्षेपी हीट के रूप में, यानी हीट कुछ ऐसा है जो कुछ एनर्जी किलो कैलोरी के रूप में व्यक्त करें, कैलोरी के रूप में व्यक्त करें, कुछ एनर्जी हीट के रूप में उड़ जाए, एक्जोथर्मिक। एंडोथर्मिक हीट के प्रेजेंस में वो अभिक्रिया हो तो उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। एग्जाम्पल का इसको समझे, जैसे मान लेते हैं H2 है और प्लस O2 है, H2 और O2 को जब हम एक साथ जो है मिलाते हैं तो यहां पर जो है H2O बनता है, H2O का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, बैलेंस कर लेंगे, ये दो है तो इसको दो कर लेंगे, बीबी चार होगा तो यहां पर दो कर लेंगे, और इसके साथ में यहां पर 136.8 किलो कैलोरी एनर्जी भी मुक्त होती है। तो इस तरह से यहां पर अगर प्लस इधर लिखा होता है इसका मतलब ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, अगर जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में जो हीट है किलो कैलोरी एनर्जी यानी जो एनर्जी है, इस एनर्जी को यदि जो है इधर लिखा गया है तो इसका मतलब है एक्जोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। अच्छा दूसरा इसमें देख लेते हैं N2 plus O2 और ये जो होता है ये 42 यानी 42 किलो कैलोरी एनर्जी की उपस्थिति में पूरी अभिक्रिया होती है, यानी 42 किलो कैलोरी एनर्जी। इससे क्या बनता है N2O बनता है, क्या बनेगा NO2 बनेगा या यहां पर और जाने NO भी बना सकते हैं, केवल क्या बना सकते हैं NO बनेगा, तो इसको भी बैलेंस कर लेंगे, क्या करेंगे बस हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये यहां पर NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO2 भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा यहां पर, तो ये यहां पर 42 ठीक है, ये ध्यान रहे 42 है, 42 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर यूज हो रहा है तब जाकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है, तो ये यहां पर इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्जोथर्मिक जहां हीट के रूप में एनर्जी निकल रही हो तो उसको एक्जोथर्मिक, जहां हीट के रूप में एनर्जी का यूज हो रहा है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन,
की परिभाषा याद कर लीजिए, बहुत ही आसान सी परिभाषा है, कुछ रट एक को रट लो ऑक्सीडेशन रट लो तो रिडक्शन याद हो जाएगा, रिडक्शन रट लो ऑक्सीडेशन याद हो जाएगा, कोई एक परिभाषा याद कर लीजिए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन को रट लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, ऑक्सीडेशन की परिभाषा क्या होती है कि अब देखिए ऑक्सीडेशन यानी अभिक्रिया के समय, यानी अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, बहुत ध्यान समझना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय अवयव जुड़ रहा हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन अथवा कोई ऋण विद्युतीय अवयव जुड़ रहा हो अथवा कोई हाइड्रोजन हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय अवयव वहां से पृथक हो रहा हो तो उस यौगिक को कहते हैं, उस यौगिक का ऑक्सीडेशन होता है। यानी कोई ऐसा यौगिक है जिसके यौगिक में या तो ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय अवयव आकर जुड़ रहा हो तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या तो उस यौगिक में से हाइड्रोजन आयन निकल रहा हो या कोई धन विद्युतीय अवयव निकल रहा हो तो भी उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यह ऑक्सीडेशन की परिभाषा होगी। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन की परिभाषा उल्टा इसी का अपोजिट कि किसी यौगिक से में किसी यौगिक से यदि ऑक्सीजन या कोई विद्युतीय अवयव पृथक हो रहा हो तो वहां पर उसका ऑक्सीजन हो रहा है, अथवा कोई हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय अवयव आकर के जुड़ रहा हो तो भी उसका ऑक्सीजन होगा। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये प्रक्रिया होती है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया करना, रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन को निकल जाना, सिंपल सा। या कह सकते हो ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकल जाना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ जाना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया, इसको क्यों हाइड्रोजन, इसको याद है केवल दिमाग में इसकी परिभाषा, तो बहुत ही आसान हो जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं क्या होते हैं, इसके प्रयोग समझते हैं। जैसे कॉपर है और ऑक्सीजन, जो कॉपर है और इस ऑक्सीजन को यदि जो है आपस में अभिक्रिया कराया जाए तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। अगर यहां पर जो है कॉपर को ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया कराया जाए तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, तो ऑक्सीजन की संख्या दो है तो यहां पर दो और कॉपर ये व्यापार दो लिखेंगे। अब देखिए इस कॉपर में ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है तभी तो कॉपर ऑक्साइड बना है। इस कॉपर में ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, इसका मतलब यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई ना, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो अब यहां पर यह कह सकते हैं कॉपर से ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, अतः यहां पर यह अभिक्रिया कैसी होगी, यह अभिक्रिया ऑक्सीडेशन होगी। यह अभिक्रिया कैसी होगी, यह अभिक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अब मान लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है CuO कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दिया जाए, कॉपर ऑक्साइड और इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दिया जाए तो क्या बनता है, तो यहां पर कॉपर अलग हो जाता है प्लस H2O यहां पर बन जा रहा है। यहां पर क्या है कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर से ऑक्साइड ऑक्सीजन जो है कॉपर में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। लिख सकते हैं यहां पर कि कॉपर में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर। तो यहां पर क्या है, वहां पर क्या था कि वृद्धि हो रहा था कॉपर में ऑक्सीजन की, यहां पर क्या है लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का कॉपर से। तो यहां पर इस कॉपर ऑक्साइड से अब ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब यहां पर जो है कौन सी अभिक्रिया होगी, रिडक्शन अभिक्रिया होती है, रिडक्शन अभिक्रिया होती है। एक चीज और ध्यान से सुन लेना, जहां पर ऑक्सीजन कोई ऐसा रासायनिक समीकरण, वो हालांकि भी आगे है रिडॉक्स अभिक्रिया, ऐसा कोई भी लिख देते हैं जो थोड़ा सा रिडॉक्स अभिक्रिया, देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, ऐसा कोई भी रासायनिक समीकरण जिसमें दिखाई पड़ रहा हो, ऐसी कोई भी रासायनिक क्रिया जिसमें दिखाई पड़ रही हो कि उसमें रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो वह निश्चित रूप से रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, वो निश्चित रूप से रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। यानी वहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर, जो पहला चैप्टर था क्लास 10th का, वो समाप्त हो रहा है, समाप्त होता है।
तो इस पूरे चैप्टर को जो दो पार्ट्स में बना है, इन दोनों पार्ट्स को जो अच्छे से इसको पढ़ ले, पहला चैप्टर लगभग तैयार हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत केवल इसमें जो है केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको जानना था, टाइप्स ऑफ रिएक्टेड, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आई होप ये समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से जो है तैयार कर ले। हम लोग अगले पार्ट्स में फिर अगले चैप्टर को जो है पढ़ते हैं केमिस्ट्री का, और कुछ इसमें बायो का भी चलता रहेगा। ध्यान रहे कि बायो के भी हम बीच बीच में जो है वीडियो डालते रहेंगे। तो इसलिए सभी लोग अब इस जो चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो उसमें बेल आइकॉन है उसको भी जो है क्लिक कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और उसको ज्यादा से ज्यादा जो है जो भी वीडियो होगा तुरंत उसको मिलेगा, उसको जो है शीघ्रता से पढ़ सकते हैं, और अपनी जो इस कोरोना वायरस के चक्र में जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन में भी अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं। तो इसको पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।